देश में रविवार को एक दिन में कोविड 19 के 50,000 से ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में 54,735 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 17,50,723 हो गए हैं, जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़कर 11,35,629 हो गई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अमित शाह ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, साथ ही संपर्क में आए लोगों से भी कोरोना जांच कराने की सलाह दी है। अमित शाह ने ट्वीट किया, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। वहीं रविवार को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण की कोरोना संक्रमण से डेथ हो गई है। कमला रानी वरुण यूपी सरकार में टेक्निकल एजुकेशन मंत्री थी। वो कोरोना से संक्रमित थी और लखनऊ की PGI में उनका इलाज चल रहा था। उत्तर प्रदेश के BJP अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमण की पुष्टि के बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। स्वतंत्र देव सिंह ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मुझे कोरोना के शुरुआती लक्षण दिख रहे थे, जिसके चलते मैंने अपनी COVID-19 की जांच कराई। जांच में मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुझसे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वे गाइडलाइन के अनुसार स्वयं को क्वारंटाइन कर लें और आवश्यकता अनुसार अपनी जांच करा लें। अमित शाह को डॉक्टर्स की सलाह पर गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेदांता अस्पताल में डॉक्टर सुशीला कटियाल के नेतृत्व में अन्य चिकित्सकों की टीम उनकी देखरेख कर रही है। मौके पर पुलिस सहित प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद हैं, जबकि स्वतंत्र देव सिंह अपने आवास पर होम क्वारंटाइन हैं।